हेलो दीपन, गुड इवनिंग, वेलकम। हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे 10th क्लास का ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ठीक है, ये हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो हमारे देश में कैसे कैसे हैं, क्या क्या उनको भी स्टेटस दे रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे हम इसमें कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट टू कमेंट डाउन या फिर जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैं 10th की ज्योग्राफी कराने के बाद 11th एंड 12th के लिए एक पॉज लूंगा, और उस पॉज में आपको अनदर सब्जेक्ट कवर कराऊंगा जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ये 11th एंड 12th मैं इसलिए बाद में कराऊंगा, क्योंकि इससे जो कॉन्सेप्ट हमारे अभी तक हमने 6th से लेकर 10th तक पढ़े हैं ना, इसको आप लोग एक बार रिवाइज कीजिएगा अगर आपने नोट्स बनाए हैं। इनफैक्ट बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक, और फिर वो कॉन्सेप्ट एक हम अराउंड 1 मंथ के बाद हम स्टार्ट करेंगे, जब ये तो हम उसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, बाकी देखते हैं आगे। एक यहाँ पे वो दे रखी थी पोइम, नरक माय लॉर्ड यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूजिक एंड ऑल दैट। ठीक है, ओ नरक माय लॉर्ड लेट मी डेडिकेट माय सेल्फ टू यू, लेट मी गैदर यू म्यूजिक फ्रॉम द स्प्रिंग द रिवर्स माउंटेन्स फॉरेस्ट इंसेक्ट्स एंड द एनिमल्स, लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्वीट ब्रीज एंड ऑफर इट टू यू। तो इसका सोर्स है लेपचा फोक सॉन्ग। कहाँ का है लेपचा फोक सॉन्ग? कहाँ का है? वेस्ट बंगाल। ये आई थिंक कहीं ना कहीं आया हुआ एग्जाम में, लेपचा फोक सॉन्ग इज फ्रॉम विच पर्टिकुलर स्टेट। So now let's start. We share this planet with billions of other living thing beings. पता है हमें, starting from micro मतलब बड़े organisms and bacteria जो छोटे होते हैं, lichens to banyan tree, elephant भी हैं, blue whales भी हैं हमारे इस planet में। This entire habitat that we live in has immense biodiversity, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता है, and we humans along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence, के लिए बहुत dependent करते हैं। For example, the plants, animals, microorganisms recreate the quality of the air we breathe, ठीक है, the water we drink and the soil that produces our food, without which we cannot survive. पानी भी जरूरी है, ऐसा था जरूरी है, आपको basic thing आपको पता होगा। Forest play a key role in a ecological system as these are also the primary producers on which all other living beings depend. बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ में है, एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज बहुत सारी वहाँ पे प्रजातियाँ हैं, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शंस, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड है इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, एक दूसरे पर आत्मनिर्भर है। सॉरी, निर्भर है। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फौना मतलब जीव जंतु इन इंडिया क्या है। इफ यू लुक अराउंड you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area. In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. India is one of the world's, ठीक है, India is not the best, one of the world's richest. This is possibly twice or thrice the number yet to be discovered. You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India. You may have realized the importance of these resources in our daily life. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. But lately का मतलब क्या होता है? देर में नहीं होता है। Sorry, इसका मतलब होता है recently. ठीक? Synonym antonym में पूछ लेगा कि what does it mean by lately? Lately means recently. But recently they are under great stress mainly due to intensity or to our environment. ठीक? तो इसमें दे रखा है कि सम एस्टिमेट सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडिया का रिकॉर्डेड जो वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट में हमारे। 10% हमारा क्या है? पेड़ पौधे, और 20% हमारे जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, वो है थ्रेटेंड में। ये लिस्ट होती है जो जारी करती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बताऊंगा कौन सा है आगे आएगा, तो उसमें थ्रेटेंड एक्सटेंड ये सब लिस्ट आते हैं, जिसमें पता लगता है कि कौन सी चीज कितनी बची हुई है, कितनी खत्म हो गई है, या फिर कौन सी कगार पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मेनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। क्रिटिकल मतलब जो खत्म होने के कगार पे है, लाइक द चीता जो कि आपको पता ही है, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ओवलेट, एंड प्लांट्स लाइक मधुशुआ इनसाइड्स अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुआ की है ये, ठीक है, एंड हबेरडिया हेपेटनरम अ स्पीसीज ऑफ ग्रास की है ये। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीसीज मे हैव ऑलरेडी बीन, कितनी भाई खत्म हो चुकी है हमें कोई नहीं पता। टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटेंट, जो चीज़ें हमें दिख रही थी जो खत्म हो गई अभी,
हम सिर्फ उन्हीं को ही बात करते हैं, बाकी छोटी मोटी कितनी चीजें खत्म होगी हमें पता लगता है, बट व्हाट अबाउट स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स. यहाँ पे वैनिशिंग फॉरेस्ट, द डायमेंशन ऑफ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग. द फॉरेस्ट एंट्री कवर इन एंट्री इज एस्टिमेटेड इज 807276 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 24 मतलब 25% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हमारा. कितना फॉरेस्ट कवर, डेंस फॉरेस्ट 12.4%, ओपन फॉरेस्ट 9.26% एंड मैंग्रोव है हमारे 0.15%. अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड दिस मच किलोमीटर सिंस 2017 से. हाउएवर दिस अपेरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इज ड्यू टू कंजर्वेशन मेजर्स, मैनेजमेंट इंटरवेंशन एंड प्लांटेशन एक्सेट्रा बाई डिफरेंट एजेंसीज ने किया है. ठीक, अभी देखो, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज IUCN. ये हमारी लिस्ट जारी करती है. सॉरी थोड़ा गला प्रॉब्लम है यार. वो ही वाली लिस्ट जो देखो अभी बताएंगे आपको आएंगी. नॉर्मल स्पीसीज की बात करते हैं, तो स्पीसीज हूज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल कंसिडर करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल हो गया, ठीक है, साल, पाइन, रोडेंट्स, नॉर्मल स्पीसीज है वो. अब इंडेंजर्ड क्या होती हैं, दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म होने की कगार पर हैं, मतलब थोड़ा खतरा है. द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट, ऐसी स्पीसीज जो प्रजातियाँ उनका सर्वाइवल थोड़ा डिफिकल्ट है. इफ द नेगेटिव फैक्टर दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम रहा होगा जिसकी वजह से वो खत्म हो रही थी पॉपुलेशन, अगर वो कंटिन्यू रहा तो द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लैक बक, तो वो खत्म हो जाएंगे ऐसे बता रहा है, और क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकाके बंदर होता है ये, संगाई, बोरो एंटर डियर इन मणिपुर, ये सब बता रहे हैं. ठीक, देन हमारा दिया है वल्नरेबल, दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर, मतलब ये बता रहा है, जस्ट अ मिनट. हाँ जी, तो वल्नरेबल के बारे में बात कर रहे थे, दीज आर स्पीसीज जो पॉपुलेशन जिनकी डिक्लाइन हो गई है ऑलरेडी और अभी ये एंडेंजर्ड में मूव होने वाली हैं और हो जाएंगी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा जो नेगेटिव फैक्टर जो उसको खत्म कर रहे हैं वल्नरेबल वाली को, और ऐसे ही चलता रहा तो वो एंडेंजर्ड हो जाएंगी, उसके बाद वो एक्सटेंड मतलब की खत्म हो जाएंगी. सो द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लू शीप, आसियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, आपको पता ही है. फिर रेयर स्पीसीज क्या होती हैं, स्पीसीज विद अ स्मॉल पॉपुलेशन जिनकी पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत कम है, मे मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी, इन कैटेगरी में जा सकती हैं इफ द नेगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट. वही है कि ये ऐसी पॉपुलेशन इनकी कम होती है और इनके ऊपर जो भी नेगेटिव फैक्टर जो इनके ऊपर काम कर रहे हैं अगर वो कंटिन्यू रहे तो ये किस में जा सकती हैं, फिर वल्नरेबल में जाएंगी, फिर एंडेंजर्ड में जाएंगी, फिर एक्सटेंड हो जाएंगी. द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसी और हिमालयन ब्राउन डीप बियर हैं, वाइल्ड एसियाटिक बफेलो हैं, डेजर्ट फॉक्स हैं और हॉर्नबिल वगैरह हैं. एंडमिक क्या है, दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज. एंडमिक और पेंडमिक आपने आपको अच्छे से ही पता होगा. अब तो एंडमिक मतलब एक पर्टिकुलर स्पेशल जगह पर होगी, तो बताते हैं कि वो वहाँ का एंडमिक होता है. यूजली आइसोलेटेड बाई नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स, एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द अंडमान टील, ठीक, निकोबार पीजन, अंडमान वाइल्ड पिक, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल ये है मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये देखो अंडमान वाला तो पता है क्योंकि वो सेपरेटली है, हमारा कॉन्टिनेंट से सेपरेट है, चारों तरफ ओशन है, बट अरुणाचल प्रदेश में ऐसा ओशन जैसा कुछ नहीं है, बट वहाँ पे मिथुन नाम का एक जानवर है जो एंडमिक में आता है. एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो गया, दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस ऑफ नोन और लाइकली एरियाज भरते में अकर, जहाँ पे होती थी अभी वहाँ पे सर्च करने पे नहीं मिलती है, एक्सटेंट हो गई है मतलब खत्म हो गई है. स्पीसीज मे बी एक्सटेंट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कंटिनेंट और द एंटायर अर्थ, कहीं से भी खत्म हो सकती है. एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द आसियाटिक चीता, एशियानिक जो चीता थे, पिंक हेड डक, ये सब खत्म हो गए. एशियाटिक चीता कहाँ गए बता रहा है, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, अभी इस पर क्वेश्चन बन सकता है क्यों, चीता अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे भाई चीता कौन से कंट्री से आया और हमने कौन से कूनो नेशनल पार्क, जो भी कूनो पालपुर नेशनल पार्क है एमपी में उसे रखा, वो नहीं पूछेगा यार, यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क समथिंग डिफरेंट. ठीक, ये पूछेगा आसियाटिक चीता कौन सी कैटेगरी में, तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो कहाँ गए, देखो द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल है ये द चीता, उसका नाम है एक्विनोक्स जोवांटस, इज अ यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली का है,
and can move at the speed of 112 km per hour. The cheetah is often mistaken for a leopard. Its distinguishing marks are the long teardrop shaped lines on each side of the nose. इसकी आँख सॉरी नाक के ऊपर टीयर ड्रॉप में उसके वो होते हैं धब्बे होते हैं. ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आईज टू इट्स माउथ यहाँ से लेकर ऐसे तब होते हैं ठीक है. प्रायर टू द 20th सेंचुरी चीताज वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया. टुडे द आशियान चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट. एशिया का चीता एक्सटिंक्ट हुआ है अफ्रीका का नहीं, अफ्रीका से हमने मंगाया इसीलिए. ड्यू टू अ डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट उनका जो भी था एंड प्रे प्रे मतलब शिकार. The species was declared extinct in the India long back in 1952 में ही खत्म हो गई थी ठीक. तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी देख लेना. इसका नाम क्या है, एक्विनॉक्स है ठीक है. ये इसका स्पीड है 112 किलोमीटर. इसकी पहचान लेपर्ड तेंदुए से डिफरेंट है. क्यों? इसकी नाक और आँख के बीच में एक ऐसे आंसू वाले वो धब्बे बने रहते हैं, आपने देखा होगा जो करंट में अभी आया है ना चीता हमारे यहाँ ठीक है. If you look around, you will be able to find out how we transformed nature into a resource obtained directly and indirectly from the forest wildlife. जहाँ से लकड़ी, wood, box, leaves, rubber, medicine, dyes, food ये सब कुछ हमको मिलता है ठीक है. The greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period due to the expansion of the railway, agriculture वगैरह हुआ था ठीक है. Even after independence, agricultural expansion continue बढ़ता रहा to be one of the major. Even after independence, agriculture expansion continues to be one of the major causes of depletion of forest resources. वही है, हम जंगलों काटते रहे और क्या बनाते रहे, खेत बनाते रहे. Between 1951 to 1980, according to the Forest Survey of India, over this much amount of kilometer of forest area was converted into agricultural land all over India. Substantial parts of the tribal belt, especially in the northeastern and central India, have been deforested or degraded by shifting cultivation, that is jhoom, a type of slash and burn agriculture. Very important, ये question आया हुआ. Slash and burn agriculture is what is this? So this is a kind of zoom. अच्छा इसके नाम होते हैं बहुत different. जैसे कि रे नाम है वियतनाम में उसको बोलते हैं इसी zoom cultivation को, या फिर slash and burn agriculture को ठीक. लदांग इंडोनेशिया में बोलते हैं, लदांग बोलते हैं इंडोनेशिया में, आपको बता रहा हूँ लिख लेना. रोका बोलते हैं ब्राजील में ठीक. तावी मेडागास्कर में है, मेडागास्कर है अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे. लोगान है वेस्ट अफ्रीका में, LOGAN लोगान है वेस्ट अफ्रीका में. इसके अलावा अगर बताऊं तो चेना कहाँ है, चेना चेना है हमारा श्रीलंका में, हमारा सदर्न कंट्री जो ठीक. इसके अलावा अगर मैं आपको और थोड़ा बताऊं तो इसके बारे में, तमरई थाईलैंड ठीक. इसके अलावा इंडिया बताऊं तो बत्रा बोलते हैं इसको राजस्थान में, धावी बोलते हैं हम उड़ीसा में ठीक, कुमारी बोलते हैं हमारा केरला में, जो केरला का हिली रीजन है उसमें कुमारी इसको बोलते हैं. इसके अलावा पोडू बोलते हैं आंध्रा में, पोडू मतलब आंध्रा ठीक. दीपा या फिर बीवर उसको कहाँ बोलते हैं, MP में. बीवर तो सुना होगा आपने. इसके अलावा कमान बोलते हैं, कमान अगर आप चाहते हैं कमान, या फिर बिंगा कहाँ बोलते हैं ये भी उड़ीसा में बोलते हैं, कमान बिंगा और धाबी बिंगा. छोड़ो इतना बहुत है, बाकी छोड़ो, बाकी हम करते हैं. थ्रो द आयरोनिकली टर्म्ड एनरिचमेंट प्लांटेशन इन विच अ सिंगल कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज वॉज एक्सटेंसिवली प्लांटेड एंड अदर स्पीसीज एस्टिमेटेड, फॉर इंस्टेंस टी monoculture has damaged the natural forest in South India and cheer pine plantation in the Himalayas have replaced the Himalayan oak. चीड़ का जो पेड़ होता है, चीड़ देवदार, उसने हिमालय में जो पाने वाला था ओक का पेड़ उसको हटा दिया है एंड रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट को जो भी खत्म कर दिया है ठीक. ऐसी बता रही है ठीक. लार्ज स्केल, अच्छा ये आपसे था, आर कोलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज मतलब ये कैसे खत्म हो गया, तो वही बता रहा है कि सम ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट से दैट द प्रमोशन ऑफ अ फ्यू फेवरेट स्पीसीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब बाहर से बहुत सारी स्पीसीज आई नई नई, मतलब वैरायटी ऑफ जो प्लांट्स एंड मतलब जो भी हैं या फिर वनस्पति वगैरह यहाँ पे होगी, तो उन्होंने जो इंडिया का लोकल जो भी बहुत सारी फसलें थी उनको खत्म कर दिया या फिर पेड़ पौधों को. लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट,
ठीक है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट स्टिल कंटिन्यू विद प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट ऑन मध्य प्रदेश विच वुड इनंडेट 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट। माइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। बक्सर टाइगर रिजर्व एमपी का आपको पता है, वेस्ट बंगाल का, इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। डोलोमाइट की माइनिंग वहाँ पे चल रही है। इट हैज डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज एंड ब्लॉक्ड द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। मैनी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग, फ्यूल वुड कलेक्शन, दो देर मे बी समस्टेंस इन दर अगोमेंट, येट द एक्ट द फैक्ट रिमेन्स दैट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फ्यूल फॉर्डर डिमांड इज मेट बाई लॉपिंग रादर देन बाई फेलिंग इन टायर ट्रीज। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर रिपोजिटरीज ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स मिनरल्स। मतलब ये सब बेसिक चीजें आप पढ़ लेना है तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। द हिमालयन यू इन ट्रेबल ट्रबल में है। हिमालयन यू क्या है, इज अ मेडिसिनल प्लांट है एक, ठीक है। हिमालयन यू found in various parts of the Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh, a chemical compound called taxol is extracted from the bark, iski chhal se needles, twigs and roots of this tree, and it has been successfully used to treat some cancers, ko bhi use treat kar sakte hain. The drug is now the biggest selling anti-cancer drug in the world. The species is under great threat due to overexploitation. In the last one decade, thousands of yew trees, very important, yew cancer treat करता है, have dried up in various parts of Himachal and Arunachal Pradesh. इसके अलावा habitat destruction, ये सब काम करते हैं लोग, ठीक। आप पढ़ लेना, इसमें कुछ भी इतना important नहीं है, पूरा 25% द फॉर्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पांसिबिलिटीज फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। द क्वेश्चन इज हु इज कंज्यूमिंग व्हाट फ्रॉम वेयर एक्सेट्रा। यहां पे फैक्ट देखा, डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन। इंडिया का नेचुरल फॉरेस्ट मोर देन हाफ चला गया है। 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेनड आउट। 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पोल्यूटेड हो चुकी हैं। 40% ऑफ मैंग्रोव खत्म हो चुके हैं। एंड विद कंटिन्यूड हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड कॉमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट्स, थाउजेंड्स हजारों प्लांट और एनिमल स्पीसीज हेडिंग टुवर्ड्स खत्म होने की कगार पर है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू, द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली इन द, ये सब पढ़ लेना, कुछ भी इतना वो नहीं है, ठीक है। द ड्रजरी ऑफ वुमेन इंक्रीजेज एंड समटाइम दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर टू कलेक्ट दीज रिसोर्स। मतलब वही सब दे रखा है कि किससे क्या प्रॉब्लम होती है आज की डेट में, जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे नेचुरल से वो खत्म हो जाएंगे तो किससे क्या प्रॉब्लम। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के लिए क्या क्या है, तो उसमें कुछ वो है कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ कुछ मैं बता दूंगा आगे जो चल रहा है अभी, ठीक है। जैसे इन द 1960-1970 कंजर्वेशनिस्ट डिमांड किया था उन्होंने कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। 1973 इज फेमस फॉर वॉट, और 1972 में भी एक और चीज हुई है, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर, आप लोग बताओ इनमें कौन सा किससे। चलो मैं बताता हूँ, एलिफेंट 1992 वाला है और प्रोजेक्ट टाइगर था 1973, ठीक। विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव स्पीसीज वाज आल्सो, ये सब बता रहा है इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक। फिर प्रोजेक्ट टाइगर ही देखो, टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फाउनल। In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled in this from an estimated 50,000 turn of the century. The major threats to tiger population are numerous, such as poachers and raids and shrinking है वगैरह वगैरह, ये सब है तो उनकी bones वगैरह करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population. In the world, these two nations became prime targets for poaching and illegal. अभी नेपाल बना है वर्ल्ड में ऐसा के कि जिसने अपनी टाइगर पॉपुलेशन डबल कर दी है, ठीक। और इंडिया का एक साउथ का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आएगा जिसने इंडिया में रिकॉर्ड बनाया टाइगर पॉपुलेशन का, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द बेल पब्लिश वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड, लॉन्च हुआ था 1973 में। टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीसीज बट विद इक्वल इंपॉर्टेंस एज अ मींस ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ सीजेबल मैग्नीट्यूड। कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, सुंदरवन आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में है,
बांधवगढ़ एमपी में है, सरिस्का कहाँ है आपका, राजस्थान में है, मानस असम में है, पेरियार कहाँ है, केरला में है, एंड सम ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये सारे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिए गए थे। ठीक, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडायवर्सिटी रादर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट, देयर इज नाउ मोर इंटेंसिव सर्च, ये सब आप पढ़ लेना, इतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो उसमें रिजर्व फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। रिजर्व मतलब बायोस्फीयर, फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे उनके लिए वाइल्ड लाइफ के लिए और हमारे फॉरेस्ट उन दोनों के लिए। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, जो भी फॉरेस्ट एरिया उसका 1/3 इतना है तो उसका 1/3 एरिया होगा वो प्रोटेक्टेड एरिया होगा। ठीक है, एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, यहाँ पे कोई डिप्लेशन कोई भी चाहे कुछ भी नहीं होता। ये घड़ियाल होते हैं, इनकी चोंच बाहर होती है, जबकि मगरमच्छ होता है उसका चोंच नहीं होता, उसका पूरा मुंह होता है बड़ा। घड़ियाल भी एक्सीडेंट पे हैं। ठीक है, अनक्लॉज्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड बेस्ड लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, मतलब बीच में जा सकते हो, एक्टिविटीज भी कर सकते हो। ये सब बता रहे, रिजर्व एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स वगैरह वगैरह, देख लेना कंपोनेंट है नहीं। कम्युनिटी कंजर्वेशन वही, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान का, विलेजेस हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, और इसमें है नहीं उसमें इम्पोर्टेंट यार, बस कहानी है वो पढ़ लेना। ठीक है, सेक्रेड ग्रोव्स अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज, नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिमाइस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड, सच बिलीफ्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टाइन फॉर्म कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस, सेक्रेड ग्रोव्स। दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट ऑफ और पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैंड। अभी देखो मुंडास आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री में, चलो पढ़ाऊंगा, मुंडाज एंड संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन के थे। ठीक है, बसिया लतीफोरिया एंड कदम्बा सर्टेन सोसाइटीज रिवर पर्टिकुलर ट्री विच दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम टाइम। अच्छा, उन्होंने इस एक बहुत सारी सोसाइटीज एक कम्युनिटी थी जिन्होंने अपने अपने टाइम से इन पेड़ों को बचाया था, तो ये एक पेड़ का नाम है। ठीक है, एंड द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टैमरिंड टैमरिंडस इंडिका एंड मैंगो मैग्नीफेरस इंडिका, आपको पता है उसका बायोलॉजिकल नेम है, ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स, टू मेनी ऑफ अस पीपल एंड बनियान ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड। बहुत सारे पेड़ों को हम मतलब कुछ ना कुछ करके हमें पेड़ बचाने थे तो हमने किसी को पवित्र बना दिया, किसको किसी से जड़ी बूटी मिलती, किसी मतलब कुछ ना कुछ करके उसका एक उपयोग बता दिया कि हाँ ये इस चीज में बेनिफिट है, ये इस चीज में बेनिफिशियल है, ऐसे करके हमने क्या किया उसको बचा लिया। ठीक, इसके अलावा फेमस चिपको मूवमेंट उत्तराखंड का था ये। ठीक, उसमें लोग चिपक गए थे पेड़ों से, पेड़ों को नहीं काटने दिया था। बीज बचाओ आंदोलन टेहरी एंड नवदन्य हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। ये एक मूवमेंट है इन इंडिया, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉरेस्ट अ गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग द प्रोग्राम हैज बीन फॉर्म्ड इन। ठीक है, छोड़ो कुछ नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, हमारे चैप्टर जो भी था हमने खत्म किया इसको, इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा था नहीं, कुछ डेट्स हैं वो आप देख लेना। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्रेशन ऑफ फ्लोर एंड फौना, ये भी है ग्रेजिंग लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये भी है, ये भी है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी है, ये वाला नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसमें भी था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो ये भी नहीं होगा आंसर। डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बीच बचाओ इसमें भी था, आंदोलन जितने भी हैं उनमें नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजी डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व करती कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, डिमार्केशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का तो डिमार्केशन कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, तो उसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ठीक, तो चलो ये खत्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, लेट्स सी कौन सा चैप्टर है। एंड टिल देन आप इसको रिवाइज करते रहो, टेंथ वाला ख़त्म करके हम करेंगे साइंस एंड इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी भी खत्म करेंगे और सॉरी हिस्ट्री खत्म करके। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।